सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं जस फ्रॉम सेवन जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों आज एक और नया क्वेश्चन ये है, ग्लोबल कलर किया और ग्लोबल कलर करने के बाद इमीडिएटली क्या मैं स्पार्क कर सकता हूं। क्वेश्चन बड़ा अमेजिंग लगा मुझे, लग रहा है मैंने शायद इसके बारे में पहले भी बात की थी लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं था, इसलिए मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर दोबारा दे रहा हूं। ग्लोबल कलर मतलब सारे बालों पे मैंने कलर किया, कोई भी कलर हो सकता है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, लाइटर कलर्स भी हो सकते हैं, डार्कर कलर्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग। क्या मैं ग्लोबल कलर करने के बाद में हेयर स्पा कर सकता हूँ, इमीडिएटली ग्लोबल कलर किया स्पा करूँ? तो मेरा आंसर है नहीं कर सकते। अरे बाप रे, नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत सारे लोग कर भी देते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे कैसे अगर करना है तो कैसे करो और क्यों नहीं करना उसके बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपने लगाया है कलर, अब भी कलर लगाया है तो जो पिगमेंट्स हैं अभी डिपॉजिट हुए हैं, कहीं ना कहीं सटल होने के लिए कलर को भी टाइम लगता है, जैसे स्ट्रेटनिंग को लगता है ना टाइम सटल होने के लिए, आपने बॉन्ड्स के ऊपर काम किया तो बाल थोड़े से वीक हो जाते हैं। यहाँ पे भी जब आप कलर करते हो तो यहाँ पे भी बालों में एकदम चेंजेस आए, तो कलर जब आप पेनिट्रेट करते हो तो उसको टाइम लगता है सेटल होने के लिए। अभी जब आप स्पा की बात करते हो, स्पा ट्रीटमेंट, अभी स्पा ट्रीटमेंट में क्या होता है, बेसिकली स्पा में होता है मसाज और होता है स्टीम। ना तो मैं आपको मसाज के लिए एडवाइस करूंगा ना स्टीम के लिए, तो जब ये दोनों ही चीज़ें आपने नहीं लगाई तो फिर स्पा क्या रह गया, फिर तो आपने कंडीशनर लगाया, मास्क लगाया, एक ही बात है। तो हम लोग बेसिकली स्पा ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं, हम लोग मास्क ही लगा रहे हैं ना बालों में, तो मास्क लगाया और उसके बाद में आपने मसाज किया, स्टीम दी, हो गया आपका स्पा ट्रीटमेंट। यहाँ पे जब आप मसाज जो मेन आपका काम है इसमें स्पा में, अगर आप वही नहीं कर रहे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं हुआ। यहाँ पे आप शैम्पू सेशन पे अगर आपको उनके लग रहा है कि बाल थोड़े ड्राई लग रहे हैं, आप मास्क लेकर लगा दो ना, मास्क लगाओ, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन स्पा का नाम मत देना क्योंकि क्लाइंट विल नॉट बी हैप्पी। वहां पे आपको मसाज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको करना है स्पा, आप क्लाइंट को एक हफ्ते के बाद बुलाओ, जब बिल्कुल बाल आपके सेटल हो जाए, एक हफ्ते के बाद बोलो, आप एक हफ्ते के बाद हो, जैसे आप स्ट्रेटनिंग में बुलाते हो ना 3 दिन के बाद में, यहाँ पे एक हफ्ते के बाद बुला लो। स्ट्रेटनिंग में भी मैं आपको बता रहा हूँ एक हफ्ते के बाद ही स्पा करना चाहिए, कलर के बाद भी एक हफ्ते के बाद ही करो, बालों को थोड़ा सेटल होने दो, कलर को थोड़ा सेटल होने दो। अच्छा, अभी मसाज से प्रॉब्लम क्या आती है या स्टीम से प्रॉब्लम क्या आती है, मैं इसके ऊपर भी बता देता हूँ। देखो जब आप मसाज करते हो तो आप रब करते हो, अभी आप रब कर रहे हो, देखो हीट आई है, आप रब करो, यहाँ पे देखो हीट आ रही है, आपको आ रही है ना हीट। इसी तरीके से जब आप मसाज करते हो तो नेचुरल बॉडी की हीट निकलती है जिसकी वजह से भी कलर फेड आउट होता है, हीट की वजह से कलर फेड आउट होता है, तो एक जो इवन कलर आपका आना है ना वो नहीं आएगा। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा मसाज नहीं करना, स्टीम नहीं देनी, खाली आप मास्क लगा सकते हो, कंडीशनर लगा सकते हो आपके शैम्पू स्टेशन के ऊपर। तो मुझे लगता है आपको आज भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, फ्री ऑनलाइन क्लासेस, 3 महीने का कोर्स चल रहा है, बार बार आके बता रहा हूँ आप लोग को। ये वीडियो ना शेयर जरूर करना, कोर्स के लिए जरूर शेयर कर देना, कोर्सेज चल रहे हैं फ्री, रजिस्ट्रेशन चार्ज है 1180 रुपये। मंडे से फ्राइडे हम लोग खुद मिलते हैं सामने से, टॉपिक चलता है पूरा, लेक्चर होता है पूरा प्रॉपर, हेयर कट का, कलर का, बहुत सारे, अभी काफ़ी टाइम से चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, आप लोग ज्वाइन करो फटाफट, नहीं तो बहुत सारा निकल जाएगा आपका। 1180 रुपये, ये 3 नंबर्स देख रहे हो आपने, तीनों नंबर्स पे किसी पे भी व्हाट्सअप करो, पता करो और उसके बाद ज्वाइन करो, ज़रूर ज्वाइन करना क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। लाखों रुपये का कोर्स सिर्फ 1180 रुपये में आप लोगों को दिया जा रहा है, वेट करूंगा आपका ऑनलाइन क्लास में। बाकी जाने से पहले यही बोलूंगा, अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ में अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।